तो एक और नया दिन और मैं बजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे मुंबई में 2008 के सबसे बड़े हमले की, रैकी करने वाले उस शख्स की जिसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। बड़ा अजीब सा नाम है, ये इसका असली नाम नहीं है। ये शख्स पैदा जरूर अमेरिका में हुआ था लेकिन उसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। उसका बाप पाकिस्तानी नेशनल था और उसकी माँ जो थी वो अमेरिकन थी। हेडली इसकी माँ का गोद था, इसकी माता का सरनेम था। पिता का नाम तो सैयद सलीम जिलानी था और उन दोनों की जो वेडलॉक था, जो उनकी शादी होती है पाकिस्तानी शख्स की और अमेरिकन वुमन की, उनमें से जो औलाद पैदा होती है उसके नाम इसी किस्म के रखे गए। तो जब ये पैदा हुआ था तो इसका नाम दाऊद सैयद जिलानी रखा गया था। लेकिन बहुत साल तक ये आदमी अपने उसी नाम से रहा। पहली उम्र के 17 साल की उम्र तक को पाकिस्तान में ही पढ़ाई लिखाई की और इसकी माँ अपने पति को तलाक दे के अमेरिका वापस चली जाती है। लेकिन ये दाऊद, एक दाऊद इब्राहिम है, एक ये भी दाऊद था। ये दाऊद आज उसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब है और 17 साल की उम्र के बाद वो आदमी पाकिस्तान छोड़ के, जहाँ पे वो हसन अब्दाल स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई बीच में छोड़ के अमेरिका चला जाता है अपनी माँ के साथ और उसके साथ रहना शुरू करता है। लेकिन नाम इसका वही रहता है। इसका एक छोटा भाई भी था, उसका भी नाम पहले कुछ और था लेकिन बाद में उसने भी अपना नाम डैनियल सैयद जिलानी रख लिया। इस आदमी ने अपना नाम डेविड तकरीबन 2003 में रखा, उसके पहले दाऊद के नाम से मशहूर था। डेविड नाम रख के एक नया पासवर्ड बनाया, उसकी भी एक जरूरत थी, इसकी मजबूरी थी। ये शख्स पाकिस्तान छोड़ने के बाद जब 20-22 साल का अमेरिका में जाके होता है तो इसका वास्ता पड़ता है वहाँ के ड्रग पीने वाले और ड्रग बेचने वाले लोगों के साथ। तो ये आदमी ड्रग का इस्तेमाल करते करते ड्रग बेचने लग गया। 30-35 साल की उम्र तक 3 बार अमेरिका में ड्रग के केसेस में पकड़ा गया। DEA वहाँ की जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है उसने इसको 3 बार पकड़ा। एक बार 3 साल की सजा हुई, उसके बाद इसने प्ली बार्गेन किया कि मैं आपको अंदर की खबरें दूंगा तो इसकी सजा माफ करके 15 महीने तक इसको जेल में रख के छोड़ दिया गया। उसके बाद जो DEA है अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, उसके जो बड़े ऑफिसर थे उन्होंने इस आदमी में कुछ कैलिबर देखा, ये शख्स हमारे काम आ सकता है। उन्होंने उसको अपना जासूस बना लिया। बेसिकली तो वो खबरी था लेकिन जासूस के नाम पे उसको अपने साथ DEA ने जोड़ दिया और उससे जो ड्रग के रिलेटेड जानकारी हुआ करती थी उसकी खबरों पे काम करते हुए DEA ने बहुत बड़े बड़े सीजर किए, बड़े स्मगलर्स को पकड़ा और इसका रुतबा जो था वो DEA में बढ़ने लगा। उसके बाद DEA इसको पाकिस्तान भेजती है कि तुम पाकिस्तान जाके जो वहां से ड्रग अमेरिका में आती है अफगानिस्तान की ड्रग पाकिस्तान के जरिए उसकी खबर हमें लिखा के दो। और ये आदमी बहुत तेज तरार आदमी था, पाकिस्तानी मूल का तो था ही, उर्दू अच्छी बोल लेता था, हिंदी भी बोल लेता था, साथ में अमेरिका में रह चुका था, अंग्रेजी अच्छी बोलता था, पूरी दाढ़ी रख के सर पे टोपी लेके पक्का मुसलमान बन जाता था और शेव करा के कोट पैंट टाई सूट पहन के वो अमेरिकन बन जाता था। उलिया बदलने का माहिर, लंबी चौड़ा कद, अच्छे फीचर्स, स्मार्ट लगता था और बातचीत में बहुत मिठास थी, बहुत जल्दी दोस्ती लोगों से डाल लेता था, जो एक अच्छे खबरी की और एक अच्छे जासूस की
एक बड़ी खूबी हुई हुआ करती है मानी जाती है। उसी टाइम पे इस आदमी ने, क्योंकि पाकिस्तानी मूल का था, अपने देश को भूल नहीं सका, इसने डबल एजेंट का काम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में ISI के टच में आ जाता है कि मैं आपको दुनिया भर की खबरें जो आपके काम की हैं वो ला के दिया करूंगा, और अमेरिका को जो चाहिए जितना उनको बता दिया करूंगा, तो मिलजुल के काम करते हैं। अब देखिए दुनिया भर की एजेंसी काम कैसे करती है, अंदर खाते अमेरिकन को भी पता था कि ये आदमी हमें डबल क्रॉस कर रहा है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन लेके आता था वो बहुत पक्की होती थी, उनका काम चल रहा था, उनका इनको तो कभी भी ठीक कर लेंगे, लेकिन जब तक हमारा काम कर रहा है तो ठीक है। तभी अलकायदा और LET लश्करे तोयबा और जो तालिबानी जो अंसर था जिनको अमेरिका के खिलाफ रशिया भड़का रहा था, उनकी कुछ खबरें भी ये आदमी ISI से निकाल के अमेरिका को देता रहा, लेकिन अंदर खाते ये काफी क्लोज हो गए LET, LET और ISI के। 2005 के करीब इस आदमी ने सोचा कि अपना अभी नाम बदलना पड़ेगा, इसने बराबर एप्लीकेशन वगैरह दे के वो दुनिया भर में घूमता था, उसी चक्कर में इसने अपना नाम बदल के डेविड कोलमैन हेडली रख लिया, अपनी माँ का गोद साथ में लगा के। अब दाऊद सैयद जिलानी बन गया डेविड कोलमैन हेडली। उसके तहत इसको अलकायदा के लोगों ने काम दिया कि डेनमार्क में बहुत बड़ा हमला करना, आत्मघाती हमला, जिसमें हमारे जो फिदायीन होंगे वो जाएंगे और फला फला जगह पे लोगों को बंदी बना के उनका सर काट के गली में फेंक देंगे, इस किस्म का ऑपरेशन करना था। उसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग पैसा डेविड कोलमैन को हेडली को दिया गया और ये कम से कम 8 बार डेनमार्क गया। वो पूरे ऑपरेशन की खबर अमेरिकन को लगी, उन्होंने इसको जब अमेरिका पहुंचा किसी काम के लिए तो इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इस आदमी ने उनसे फिर डील की कि इनकी कुछ हदर की बातें बता दी, पहला हमला तो नाकामयाब हो गए लेकिन बाद में वो कामयाब हो गए, वो लंबी कहानी, हम अपने आप को लिमिटेड रखेंगे मुंबई के जो 2008 का जो 26/11 का हमला था उसके ऊपर। वहां से ये आदमी फिर पाकिस्तान आता है 2006 में नए नाम के साथ डेविड हेडली के नाम से, और ISI पे टच करता है और इसको जिम्मा दिया जाता है मुंबई में बड़े हमले की रैकी करने का। तो ये आदमी 2006, 2007 और 2008 में तकरीबन 8 बार हिंदुस्तान आता है, 2008 और 7 और 8 के बीच ही 6 बार, 2006 में 1 बार आया, 7 बार मुंबई में 1 साल में आना एक ही आदमी का, हमारे जो एजेंट्स एयरपोर्ट पे होते हैं उनके कान खड़े होने चाहिए, लेकिन शायद उन्होंने इसलिए शक नहीं किया कि ये अमेरिकन सिटीजन है, अगर इसका नाम उस समय भी दाऊद होता तो शायद हमारी एजेंसी वाले अलर्ट हो जाते, लेकिन अमेरिकन नाम देख के और अमेरिकन पासपोर्ट देख के किसी को शक नहीं हुआ। और ये आदमी रैकी करने के लिए मुंबई पहुंचता है, बड़े बड़े होटल में रुकता है, कभी ओबराय में, कभी ताज में, कभी किसी और बड़े 5-star होटल में, और दोस्ती के लोगों से करता है देखिए। सबसे पहले इसकी दोस्ती होती है फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े डायरेक्टर है महेश भट्ट, उनका बेटा है राहुल, तो राहुल भट्ट से इसकी दोस्ती होती है, और साथ ही साथ एक बड़े पॉश इलाके का एक जिम ट्रेनर हुआ करता था लड़का जिसका नाम था विकास वार्क, इन दोनों से दोस्ती करके ये आदमी
मुंबई के डिफरेंट इलाकों में घूमने निकलता था। अब राहुल भट्ट को मुंबई अच्छी तरह पता था और विकास पार्क को बहुत अच्छी तरह पता था। वो इसको लेके जाते थे कभी भेद ऑफ इंडिया पे, कभी हाजी अली पे, कभी जुहू चौपाटी पे, कभी गिरगांव चौपाटी, कभी वीटी स्टेशन और जो बड़े मंदिर है मुंबई के उनमें दर्शनों के लिए। उन्हीं दिनों में महेश भट्ट के बेटे के साथ और विकास के साथ ये आदमी प्रभा देवी में स्थित जो मुंबई का सबसे बड़ा मंदिर है सिद्धि विनायक टेम्पल, वहां पे जाता है। और वहां से वो एक मौली जिसको हम बोलते हैं, जो एक होली थ्रेड हमारे हिंदू भाई जो अपने कलाई पे बांधते हैं, रगदार धागे धागा होता है जो हमारे नॉर्थ इंडिया में उसको मौली बोल देते हैं, वो धागा बहुत बड़ी मात्रा में खरीदता है, मंदिर के बाहर एक स्टॉल पे बिक रहा था। और वहां से वो कुछ माथे पे तेल लगाने वाला जो पाउडर होता है उस किस्म की चीजें भी खरीदता और कुछ गले में डालने वाली ऐसी केन खरीदता है जिनमें हिंदू जो धर्म के जो भगवान है, जो इष्ट हैं उनके, उनकी तस्वीरें लगी होती थी, वो भी इसने खरीदी। और पूरे मुंबई की रैकी करके ये आदमी साथ ही साथ वीडियोग्राफी करता रहा। किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि ये देखने में फॉरनर लगता था और फॉरनर था भी, और अमेरिकन पासपोर्ट इसके बहुत काम आए। उसके चलते जो इसने अपने किसी दोस्तों को शक नहीं होने दिया कि मैं असल में करना क्या चाहता हूं, ये आदमी तो बना रहा था उन जगहों की वीडियोग्राफी कर रहा था जिनके ऊपर अटैक होना था। और इसने ही ISI और LET के लीडरों को सजेस्ट करना था कि कौन कौन सी जगह पे हमला किया जा सकता। उसके लिए लॉजिस्टिक की स्टडी करना बहुत जरूरी था कि जो टेररिस्ट आएंगे पाकिस्तान से वो किस रास्ते से इन जगहों पर पहुंचेंगे। वो पूरा जो GPS के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका जो एटीट्यूड लैटीट्यूड जो भी होता है टेक्निकली, ये आदमी सब नोट करके रखता था किस इलाके में अगर GPS का इस्तेमाल करना है तो किस तरह से किया जाएगा। तो वो नोटिंग सब याद आदमी ने बनाई, किसी को शक नहीं हुआ। उसके बाद एक जो बात इसने नहीं ऐड की, अलकायदा और LET के निशाने पर इजरायली भी थे ज्यूज। इसको जिम्मेदारी दी गई कि ऐसा ठिकाना ढूंढो जहां पे इसराइलियों को या ज्यूज को मारा जा सके। तो उसी इलाके में जहां ये आदमी रैकी कर रहा था वहां पे एक छवाड हाउस है, नारीमन हाउस भी कह देते हैं कोलाबा में, बिजी स्ट्रीट के पास छोटी सी गली अंदर जाती, वहां पे ज्यूज लोगों का एक सेंटर था जिसको छवाड हाउस कहते थे। तो सब ज्यूज रहते थे वहां पे, बड़ी गिनती में मीटिंग्स होती थी, मिलना गिलना वहां पे होता था, छोटे बड़े फंक्शन भी होते थे। लेकिन गली इतनी छोटी है कि वहां गाड़ी भी नहीं जा सकती, शायद मोटरसाइकिल स्कूटर निकल सकता है। तो वहां की रैकी बहुत जरूरी थी, जब वहां पे हमला करना होगा तो बाहर निकलने का रास्ता कैसे होगा अगर पुलिस उस एरिए को घेर लेती है। तो एक तरीके से ISI ने इसको ये नहीं बताया था कि जिसको सुसाइड मिशन होगा, इसको ये बताया गया था कि हमारे लोग आएंगे अटैक करेंगे और वहां से निकल के भाग जाएंगे। हालांकि जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी 10 के 10 लोग, जिनमें अजमल का साहब जिसका किस्सा थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया था जो जिंदा पकड़ा गया था, उनको ये कहा गया था आपको जिंदा नहीं आना है, मर जाना है, आपने शहादत प्राप्त करनी, आपको जन्नत में अबूर मिलेगी। तो इस आदमी ने इस तरीके के टारगेट चुने थे जहां से निकलने का रास्ता बड़ा आसान हो। जब ये छवाड हाउस सेंटर करता है मेन रोड से कोलाबा मार्केट से, तो वहां कॉर्नर पे एक यंग लड़की 20-25 साल की उम्र की, उसका एक आइसक्रीम पार्लर था। तो ये आदमी वहां पे आइसक्रीम खाने रुक जाता था, आइसक्रीम का शौकीन था। तो 2-4 बार बात करते करते उस महिला से इसकी दोस्ती हो जाती, और फिर ये भाई साहब उस महिला को लेके घूमने लगे।
फिर राहुल को और विकास को छोड़ दिया और महिला को साथ लेके रैकी करते रहे, सब जगहों को शॉर्टलिस्ट किया, उबराय होटल को, ताज होटल को, वीटी स्टेशन को और छबाड़ हाउस को, जिसको नारीमन हाउस भी कहते, और साथ के साथ जो एक कैफे जियो पर कोलाबा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने अक्रॉस द रोड जहाँ पे हमले की पूरी तैयारी की गई। उसके बाद ये आदमी उस महिला के साथ घूमता रहा ताकि किसी को शक नहीं हो, और वो महिला भी बहुत पहुँचे हुए घराने की थी, बड़े घर की बेटी थी, तो कहीं कोई पूछ पड़ताल होती भी थी तो उसका परिवार का और उसका नाम सुन के लोगों को शक की दृष्टि होती थी, वापस करनी पड़ती। इसका पूरा मसाला इकट्ठा करके 2007 और 2008 के शुरू में ये आदमी वापस पाकिस्तान पहुंचता है और अपनी पूरी कार्रवाई चिट्ठा अपना ISI और LET को देता है। वहां पे फिर पूरी प्लानिंग बनाई जाती मुंबई पे हमले की। उसके लिए एक बार फिर लेवल हेडली को भारत भेजा जाता है, लेकिन इस बार समुंदर के रास्ते से एक स्पेशल बोट मुहैया की जाती है पाकिस्तान की नेवी की मदद से। उस बोट में इस आदमी ने वो रैकी करनी थी कि पाकिस्तानी वाटर से हिंदुस्तानी वाटर में समुंदर के रास्ते कैसे एंटर करना है और किस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी को आंखों में झांसा देके निकल जाना है, कौन सा सही वक्त हो सकता है, दिन का वक्त, दोपहर का वक्त, रात का, आधी रात का, अर्ली मॉर्निंग का, वो सब इस आदमी ने समुंदर में रह के स्टडी किया। उसके बाद हाई टाइड लो टाइड भी देखना पड़ता है कि समुद्र की लहरों का रुख किसकी तरफ है। बहुत बड़ी लहरें उठती हैं समुद्र में, कई बार 2-2, 3-3 मीटर ऊंची लहरें भी उठती हैं, तो बोट का साइज काफी माने रखता है किस किस्म की किश्ती लेके आ पा रहे हो। वो भी इस आदमी ने पूरी रैकी की, वापस जाके वो जो रिपोर्ट दी पूरा नेविगेशन रिपोर्ट इसने दी कि इतने स्पीड से जाया जा सकता है, इतने सेंटीमीटर इधर, इतने सेंटीमीटर उधर, GPS की पोजीशन रखनी होगी, ये वो सब पूरा पूरी नेविगेशन रिपोर्ट बना के दी। और देखिए इतनी परफेक्ट रिपोर्ट बनाई जिस आदमी ने कि उसी रास्ते से वो 10 के 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट भारत में एंटर करते हैं और मुंबई तक पहुंच जाते हैं, और वहां से जो पूरी स्कीम थी, इसने जो प्लानिंग की थी उसके मुताबिक हमला करते हैं। और उसके बाद किस्सा तो आपको सब मालूम है कैसे वीटी स्टेशन पे एडमिरल का साहब की वो पहली फोटो अखबार में छपी दूसरे दिन, जहाँ पे वो AK-47 हाथ में लेके बेगुनाहों को गोलियां मार रहा था एक छोटे से ओवर ब्रिज पे खड़ा होके, कैसे फिर बाकी 9 के 9 लोग जो थे वो NSG के मुकाबले में मारे गए, एक तो कसाब का साथी था वो की राम चौपाटी पे मारा गया, और कसाब को टुकाराम मुंबले जो शहीद हुए उस हमले में उन्होंने इसको जिंदा पकड़ने में अपनी जान की आहुति दे दी। तो ये थी कहानी डेविड हेडली, डेविड कोलमैन हेडली। लेकिन वो औरत जो इतने दिनों तक इसके साथ घूमती रही, उसके साथ शुरुआती दिनों में सवाल जवाब हुए, लेकिन उसको इस केस में विटनेस नहीं बनाया गया, ना ही इसके जो दोस्त साथ में घूमते थे उनको केस का हिस्सा बनाया गया। और फाइनली 2009 में ये सब घूमते घूमते जब अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहाँ की FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसको अरेस्ट कर लेती है। उसका कारण था जो मुंबई में हमला हुआ तो उसमें 6 अमेरिकन भी मारे गए थे, और अमेरिकन जो है वो कभी अपने आदमियों की मौत को भूलते नहीं। इसको अरेस्ट किया गया, इसके साथियों को अरेस्ट किया गया, और एक लंबी चौड़ी ट्रायल के बाद उस शख्स को 35 साल की सजा दी गई, और वो आदमी अब जेल में 35 साल की सजा भुगत रहा है। लेटेस्ट में देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन नेट पे कोई ऐसी चीज आई नहीं जहाँ से मालूम पड़े कि एक बार फिर उसको कोई
रियायत दी गई है या अमेरिका ने उसको माफ कर दिया है या कुछ इस किस्म की और बात, लेकिन इस किस्म के लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। फिर कोई ऐसा छलावा अमेरिकन को दे सकते हैं, हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, हमारी सजा माफ कर दो, फिर बाहर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कहानी थी डेविड कोलमैन हैडली की। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियां लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।